किसान कानून पर भाजपा फंस गई है। अकाली दल के बाद एक और सहयोगी ने एनडीए छोड़ने की धमकी दे डाली है। आप सभी जानते हैं कि जब कृषि कानून पारित हुआ था तो केंद्रीय मंत्री और सांसद हरसिमरत कौर ने कृषि कानून पर विरोध जताते हुए मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान इस कानून से खुश नहीं हैं, इसलिए वह मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इस्तीफा दे रही हैं। इसके बाद भाजपा की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। अब खबर सामने आ रही है जो निहायत चौंकाने वाली है। राजस्थान में भाजपा की एक और सहयोगी पार्टी ने किसानों का समर्थन करते हुए एनडीए से नाता तोड़ने की चेतावनी दे डाली है। राजस्थान की पार्टी आरएलपी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए भाजपा से अलग होने के संकेत दे डाले हैं। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि आरएलपी एनडीए का घटक दल है, परंतु आरएलपी की ताकत किसान व जवान है, इसलिए अगर इस मामले में तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो मुझे किसान के हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को कहा है कि वह देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए कृषि से संबंधित लाए गए तीनों बिल को तत्काल वापस लें। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि किसानों को दिल्ली में बातचीत के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक अनुरूप जगह भी दी जाए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन को खूब समर्थन मिल रहा है। हालांकि भाजपा के समर्थक किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा गोदी मीडिया भी किसानों को बदनाम करने में लगी हुई है और गोदी मीडिया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसानों का ताल्लुक खालिस्तान से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जय जवान जय किसान की बात करने वाली भाजपा सरकार ने आज किसानों के आगे जवान खड़े किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।